हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताता हूँ फोर्कलिफ्ट की फुल सर्विस कैसे करते हैं और कितनी हावर्स पे करते हैं, और अगर अपने पास हाइड्रोलिक ऑयल ड्रेन करने के लिए टूल्स ना हो तो दूसरे प्रोसेस से उसको कैसे हाइड्रोलिक ऑयल को ड्रेन हम करते हैं। ठीक है, आज हम आपको बताते हैं। ये देखिए हमारी ये गाड़ी है, ठीक है, ATF 315 की डेटन की, और आज इसकी फुल सर्विस के बारे में बताते हैं। ठीक है, हमारी हाइड्रोलिक ऑयल कहाँ से ड्रेन होती है मैं आपको बताता हूँ। ड्रेन करने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से ड्रेन करते हैं, बट अगर यहाँ से ड्रेन नहीं हो पाती है, ठीक है, जो 10 mm की टंकी लगती है, अगर नहीं हो पाती है तो फिर हम दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं, जो हमारी ये होती है, ये जो हमारा ये साइड शिफ्ट का होता है, साइड शिफ्ट का जो सिलेंडर होता है ना, यहाँ से हम हाइड्रोलिक ऑयल को ड्रेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो आपकी 19 की लगती है, ठीक है, ठीक है, फुल ड्रेन यहाँ से हो जाती है, लेना है और एक किप लगानी है। ठीक है, हाँ, और लीवर को ऑपरेट क्या करना है, लीवर को हमारा जो है ना साइड शिफ्ट को अप करना है, मतलब अपने साइड खींचना है, जैसे अपने साइड एक खींचे आप, ठीक है, ये देखिए ऑयल निकलना चालू हो गया। ठीक है, ऑयल एक से निकल रहा है, थोड़ा स्लो करना, थोड़ा स्लो करो आप, थोड़ा स्लो करो, हटाना है, ये देखिए ऑयल निकल रहा है ना, ये देखिए ऑयल हमारा निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रेस करके हम सारी ऑयल निकाल लेते हैं, उसके बाद से आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। और हाइड्रोलिक ऑयल आपको जो भी डालना होता है वो 32 ग्रेड की डालनी होती है, 68 भी आती है, बट हमारे ज़्यादातर हमने 32 की यूज़ करते हैं, जो हमारा ये हाइड्रोलिक ऑयल है 32 ग्रेड की। और आपको मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक एक करके, फिर फिल्टर आपको दिखाता हूँ कैसे फिल्टर चेंज होते हैं, डालते हैं इसके अंदर, ये देखो, ये देखिए ऐसे डालते हैं, निकलेगी जो ख़राब हमारी निकलेगी ऑयल, ये देखिए ऐसे डाल रहे हैं इसके अंदर, इसके सारे गाना गाना निकल रहा है। हाइड्रोलिक ऑयल तो रिप्लेस हो गई, अब हम आपको दिखाते हैं गियर ऑयल कैसे और ड्रेन करते हैं। ठीक है, ये हमारा गियर ऑयल का है, ठीक है, देखिए जो खोला जा रहा है, ठीक है, ये देखिए जो ये हमारी ये नट होती है, ठीक है, जो स्टार वाली 10 mm की नलंकी से ओपन होती है, और ये आपको दिखाते हैं हाइड्रोलिक फिल्टर जो है, हाइड्रोलिक रिटर्न फिल्टर है, इसको फिल्टर को निकालने के लिए दोनों हॉस पाइप को रिमूव करना पड़ता है, निकाल के यहाँ दो स्क्रू ड्राइव लगे हैं, ठीक है, लॉकिंग वाले, उनको खोल के इनको निकाल दिया जाता है। और नीचे कपड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा बहुत होता है तो गिरता है, तो जिससे मोटर पे दिक्कत हो सकती है। तो देखिए दूसरा पाइप हमारा ओपन हो गया है, ठीक है, इनको यहाँ लॉक करके रोक देते हैं कि जिससे कि ऑयल बाहर ना गिरे। उसके बाद हम ये फिल्टर को रिमूव कर रहे हैं, जो हाइड्रोलिक टर्न फिल्टर है, 12 mm की बोल्ट से इसको टाइट करके रखते हैं, और यहाँ पे हम ये देखो खोलते हुए,
एलसीडी का है। ये देखिए इसमें दो दो पाइप होते हैं, ठीक है। अरे इसको ऊपर उठाओ, ये ऑयल गिर रहा है, इसको ऊपर उठा लो, पकड़ो, ठीक है। क्योंकि ये जो रिटर्न फिल्टर में पाइप आए रहते हैं, ये हमारा कंट्रोल वाल्व से होते हुए और फिर ये फिल्टर के आउट के थ्रू ये चला जाता है आपके इसमें हाइड्रोलिक टैंक में। बहुत टाइट होता है ये, ठीक है, इसको थोड़ा हार्ड पड़ता है खोलने में। ये हमारा देखिए जो फिल्टर हमारा निकल गया, ठीक है। ये हमारी खराब वाली फिल्टर थी जो अभी हमने निकाला है, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद से इसके ऑयल को पहले ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि हम कहीं भी रखें इसमें ऑयल थोड़ा बहुत रहता है, तो इसको गिरा इसको ड्रेन कर दिया जाता है। और अब आपको दिखा रहे हैं ये हमारी हमने जो न्यू फिल्टर दी है इसको लगाएंगे। और लगाने का देखिए, मैं बोला था ना कि ये जो हमारा कंट्रोल वाल्व से इसमें इन होता है और आउट होते हुए ये हमारा चला जाता है हाइड्रोलिक टैंक में, ठीक है। न्यू फिल्टर फिट कर रहे हैं, टाइट करते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइट करके रखना चाहिए, क्योंकि और इन पॉइंट को भी टाइट करके रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर ये लूज हुए तो जैसे आप हाइड्रोलिक जैसे किसी को हाइड्रोलिक लीवर को जैसे ऑपरेट करते हो तो जैसे रिटर्न ऑयल जाता है, अगर ये लूज हुआ तो सारे ऑयल इस मोटर के ऊपर गिर जाएंगे, जिससे मोटर जलने का चांस होता है। तो इनको कभी भी फुल टाइट करके रखना चाहिए। ये थ्रेड फ्री जाएंगे, हाँ सही है। देखिए न्यू हाइड्रोलिक ऑयल टॉप अप कर रहे हैं। और हाइड्रोलिक ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं, 18 से 20 के बीच में डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। अभी तो हमने 5 लीटर डाल दिया है, ये हमारी दूसरी कैन है 5 लीटर के। और देखिए न्यू तेल की देखिए क्वालिटी, ये हमारी 5 लीटर की तीसरी कैन टॉप अप कर रहे हैं हम। चौथे कैन में हम हल्का सा पहले डाल के, ठीक है, और एक बार गैस से मेजरमेंट कर लेते हैं, क्या पता कि देखो कम होगा तो आप डाल लोगे और ज़्यादा होगा फिर निकालने में दिक्कत होती है। ये हमारा हाइड्रोलिक गेज है जिससे हम हाइड्रोलिक ऑयल को मेजरमेंट करते हैं, जो हमारा ये 60 से लेके 70 के बीच में होता है, ठीक है। तो अभी हमने अभी मान के चलो आप 16 लीटर हमने टॉप अप किया है और 16 लीटर में हम इसको गैस से मेजरमेंट कर रहे हैं।
तो अभी देखिए हमने गैस से मेजरमेंट किया है और गैस दिखा दिया कि 70 तक ऑयल हो गया है, बट ये ऑयल एक्यूरेट नहीं बता रहा है। इसके लिए क्योंकि हम जब टॉप अप कर देते हैं और जब ड्रेन करते हैं तो सारी ऑयल निकल जाती है, तो किसी भी पाइप में ऑयल रहता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक बार सीट को ऑपरेट करके, ठीक है, और लीवर को उठाते हैं, मतलब लीवर से ऑपरेट करते हैं हाइड्रोलिक को। जब इससे हाइड्रोलिक को हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, ये देखिए मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। ऑपरेट करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी हमारी ऑयल होती है ना, वो सारे पाइपों में पहुँच जाते हैं। जब सारे पाइपों में पहुँच जाती हैं तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारा मेजरमेंट इक्वल करेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर बिना हम पाइप को या लिफ्ट को नहीं उठाते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑयल तो ख़त्म हो गया रहता है, पाइप में गया नहीं रहता है, तो वो सब उसमें दिखाता है। जैसे वो पाइप में जाता है तो आपका 3 लीटर ऑलरेडी हाइड्रोलिक ऑयल कम हो जाता है। तो ऐसे करने में फिर अभी देखिए मैं आपको मेजरमेंट करके अब दिखाऊंगा। अभी देखिए आपका जो 70 दिखा था, अभी ऑयल आपका कम दिखाएगा। अभी देखिए फिर से हम इसको गैस से मेजरमेंट कर रहे हैं और इसको कैप को पूरा फुल प्रेस कर देते हैं। अब देखिए जो हमारा ऑयल 70 तक दिखा रहा था वो अब दिखाने लगा है कि आपके 60 तक पहुंचा है, 60 के नीचे तक, ठीक है। यानी देख लीजिए आपको 3 लीटर इसने कम कर दिया। तो कभी भी हाइड्रोलिक ऑयल आप डाल रहे हैं तो 15 लीटर डालने के बाद से एक बार लिफ्टिंग को अप डाउन कर लीजिए, साइड शिफ्टिंग कर लीजिए, टिल्टिंग कर लीजिए कि सारा ऑयल जब पाइप में पहुंच जाएगा हाइड्रोलिक सिलेंडर में, उस बाद से फिर डालिएगा तो आपका एक्यूरेट अच्छे से ऑयल इसमें टॉप अप हो जाएगा, ठीक है। और 18 से 20 के बीच में टॉप अप करते हैं। अब देखिए थोड़ा ऑयल कम हुआ था तो हम उस ऑयल को टॉप अप कर रहे हैं, ठीक है। फिर से गेज मेजरमेंट कर रहे हैं, इधर दिखाओ, ठीक है। अभी और हम टॉप अप करते हैं इसमें। ये देखिए हमारा ऑयल आ गया है 70 से थोड़ा नीचे तक, जो ये पॉइंट है आपकी, हमारा ये पॉइंट है ऑयल का, यहाँ तक आ गया है। देखिए देख रहे आपको ये ऑयल आ गया है, गंदा हुआ ना, ये पॉइंट है जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल निकालते हैं। तो भाई ये गियर ऑयल, ठीक है, ये पॉइंट हमारा है। अब आपको दिखाते हैं हम गियर ऑयल चेंज करने के लिए, ठीक है। और गियर ऑयल हमारा 4.5 लीटर डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालते हैं। और देखिए हमारा गियर ऑयल जो होता है EP90 का आता है, जो सिंगल मोटर के लिए होता है, जो डबल का होता है उसमें दूसरा पड़ता है गियर ऑयल। ले लो पीछे ले लो, ठीक है। लिफ्ट ले लो आप, लिफ्ट करो लिफ्ट। उठाओ उठाओ उठाओ, अरे अभी ऑयल इसमें गया है ना, तो इसलिए थोड़ा स्लो, क्योंकि ऑयल पहुंचेगा अभी प्रेशर से तो फिर फास्ट हो जाएगा। उठाओ उठाओ, आप करो और बस रहने दो। नीचे आपको तो सेफ्टी पहले है और हेलमेट अगर है तो हेलमेट पक्का यूज करना है। लाओ
से ऑयल इसमें जाएगा और चार साढ़े चार लीटर तक आएगा इसमें। इसका गेट यही होता है, मतलब ऑयल कंप्लीट होने के बाद यहाँ आठ करोगे तो पूरा ऑयल यहाँ तक आएगा। ये देखिए ऑयल आपका फुल हो गया है, जो हमने साढ़े चार लीटर तक इसमें डाल दिया है। ये दिख रहा होगा फुल ऑयल, देखिए जो है पॉइंट ना, यहाँ तक पूरा दिख रहा होगा आपको ऑयल। ये लेवल आ जाता है, ये लेवल है, देखिए देखिए ऑयल आ गया है, ठीक है।